दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के लाइव फीड में इस समय घर के अंदर फुकरा इंसान आकांक्षा पुरी की वजह से काफी ज्यादा भड़के हुए हैं और वो इस समय गार्डन एरिया में बने विमल जोन में बैठकर जयशंकर के साथ बातचीत कर रहे हैं और आकांक्षा पुरी के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से ऐन वक्त पर आकांक्षा पुरी ने उन दोनों को धोखा दिया है। दरअसल आकांक्षा पुरी ने आज दिन के समय जब बिग बॉस ने नॉमिनेशन की चर्चा को लेकर इन तीनों को दंड दिया था, उस समय आकांक्षा पुरी अपने बयानों से पलट गई थी और उसने कहा था कि मैं तो फुकरा और से बात ही नहीं कर रही थी, बल्कि ये फुकरा और जिया आपस में बात कर रहे थे, मैं तो वहाँ पर बैठी हुई थी। ये चीज़ कहीं ना कहीं फुकरा इंसान को काफ़ी हर्ट कर गई, जिसकी वजह से फुकरा इंसान ने आकांक्षा पुरी से अपनी दोस्ती तोड़ने में एक सेकंड की भी देरी नहीं की। क्योंकि दोस्तों जो इंसान ऐसे मौके पर धोखा दे सकता है वो आगे जाकर किसी भी मोड़ पर धोखा दे सकता है और यही चीज़ यहाँ पर फुकरा इंसान जिया को समझा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अच्छा हुआ उसने इसी वक्त धोखा दे दिया, वरना मैं तो उसे अपने वर्ड्स देने वाला था कि मैं उसका साथ गेम के एंड तक दूंगा, लेकिन भगवान ने मुझे अभी से ही उसका असली चेहरा दिखा दिया और अगर बाद में ये चीज़ मेरे साथ होती तो फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा गंदा महसूस होता, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरा ही दोस्त मेरी पीठ पीछे खंजर घोंपे। जिसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं जिया को भी समझ में आ गया कि आकांक्षा के साथ दोस्ती करना खतरे से खाली नहीं है। हालांकि दोस्तों जिया ने इसके बावजूद भी फुकरा इंसान को कहा कि यार कितना अच्छा होता कि हमारे पास कोई रीसेट का बटन होता जिससे कि हम पास्ट में जा पाते और सब कुछ ठीक कर पाते, या फिर हम में से किसी एक को भी अकल आ जाती और हम इस नॉमिनेशन के बारे में चर्चा ही ना करते। लेकिन फुकरा इंसान ने इसका जवाब देते हुए जिया को समझाया कि देख भगवान जो करते हैं सब अच्छे के लिए करते हैं और हो सकता है कि ये हम लोगों के लिए अच्छे के लिए ही हो, ताकि हमारे सामने सबके चेहरे तो आए कि सब हमारे बारे में क्या कुछ सोचते हैं। खैर दोस्तों अब देखना दिलचस्प होगा कि वीकेंड के वाले एपिसोड के दौरान सलमान खान किसको बाहर निकालते हैं, क्योंकि तीनों ही शो के काफ़ी बड़े चेहरे हैं।